चल रही, ठंडी ठंडी हवा आ रही। और लेकिन तुम हम अंदर से, हाँ हमें अकेला छोड़ दो, तुम शांत रहो, अंदर से हॉट हो। हम मजाक के मूड में नहीं है। तो कौन से मूड में बच्चा? तो हाँ सही कह रहे तुम, सही तो कह रहा बच्चा, कर वो कोई बड़ी बात है का? के हम पांच नहीं पांच जानते साल नहीं कछु, होते हम यार हमारी तो इच्छा, हम नहीं जो, हम हमें हमें भाई, तो बहुत बच्चे इच्छा हो चाहिए, रही। कितने चाहिए तुम्हें बच्चा? हमें तो दो चाहिए। इकट्ठे तो ही हाँ हो जाए, जुड़वा हो जाए। हाँ हमें तो बच्चा चाहिए। ठीक है, तो ले रख दो फोन साइड में, लाइट बंद कर दो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं अपने हस्बैंड पर प्रैंक करने वाली हूँ। वो अभी छत पर वॉक करने गए हैं, तो जैसे ही वो आते हैं तो प्रैंक स्टार्ट करते हैं, तब तक उनका वेट करते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ, देखते हैं कब तक आते हैं। A few moments later. क्या होगा मैडम? तो मैं ज्यादा ही हंसबो आ रहा हूँ, ऊपर तो सही में बहुत गर्मी लग रही थी। तो एसी खींच चला जाते ऊपर, एसी नहीं होती तो क्या होता अपना? पहले हमें फालतू की बातें करने नहीं है, बस ही मूड खराब है, शांत रहो तुम तो। यार हर टाइम तो बिल्कुल पारा हाई रहता का बिल्कुल हैं। इतनी अच्छी एसी चल रही, ठंडी ठंडी हवा आ रही, लेकिन हम अंदर से, हाँ हमें अकेला छोड़ दो, तुम शांत रहो। अंदर से हॉट हो, बाहर से भी हॉट हो तुम तो। हम मजाक के मूड में नहीं है। तो कौन से मूड में छोड़ो, कहा है बताओ ना, मैं नहीं बोल रहा तुमसे, ना बोलो अपने काम से मतलब है, बस दिन भर फोन में घुसे रहने, कहूँ प्रैंक करने, कहूँ कछु करने, कहूँ कछु करने, कहूँ पार्क जाना है, आगे को तो कछु दिखाई नहीं रहो, बिल्कुल तुम्हें दिख रहा हूँ। दिखाई तो रहो है, तो भाई तो मूड खराब है क्या? कहो बस पेल लाओ खा के आना, बस काय को लगे हो तुम? कहा होगा मुझे तो बताओ, मम्मी ने कछु किया थी का? फिर कहा बेकार होगा, हूँ क्या कछु? फिर कहा होगा बाकी तो कैद सब को का केत का हो का को बताओ ना। सब कहते, तो मैं तो कोई फिक्र नहीं नहीं है कि सब कहते इतने क्यूट क्यूट बच्चा है कि कैसे खेलते ही, कितनी मीठी मीठी बातें करते ही सब, लेकिन तो मैं तो कोई वही नहीं है कि तो मैं आप खुद के रुक बच्चा जाओ, हूँ है। नेक रुक जाओ। हाँ तो इतने दिन तो हो गए, 1.5 साल तो हो गई, तो 1.5 साल का थोड़ा और रुक जाओ, ये सब हो जान दो अपनों, मतलब अपने अपने हाथ में ऐसा आ जाए कि भैया हम अपनी खुद कर सकत सब कुछ, तो फिर कर लें अपन बच्चा। बच्चा कौन बहुत बड़ी बात है, बच्चा तो हाँ सही कह रहे तुम, सही तो कह रहा, तो बच्चा कर वो कोई बड़ी बात है का? बच्चा कर वो आसान है, लेकिन उनको पाल वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, हाँ तो हम तो पाल लें, मम्मी तो है ही। आगे की सोच लो पहले। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो तुम क्यों अबे कर दूँ, आई मीन समझो अब बात को तुम। अबे मतलब ये एकदम सब से हमें इतने सब कैसे खेल दिए, मैं बुरा लगता ही, तो कहा बुरा लगता है यार। तो तुम जो तो मतलब तुम्हें कौन सी इतना खर्च नहीं, एक तो कम से कम अबे तुम कमाए वही है, देखो, मैं इतना नहीं कछु चाहता कि नहीं अपना बच्चा उसके कोई भी जो शौक हो वो पूरे ना हो पाए। कह, इतने शौक न कर पे तुम कह, अबे तुम का कमा नहीं रहे कि वो कछु है नहीं है हमारे घर में, तो ठाकुर कमा जी तो को रहा, दाओ सब जब कछु जब है वो, अपने कह देखो अपन ये सोच रहे हैं कि हाँ अपन ऐसा कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हो पाया तो नहीं हो पे, पहले से उल्टी सोचो ही ना, हमेशा जब पॉजिटिव सोच रखो तो फिर सब अच्छो ही अच्छा हो, तुमने पहले ही से सोच कर रख ली कि हम तो कर ही ना पे, का नहीं कर पे, बच्चा खर्चा ना करवे की ना उठा पे कहियो खर्च। बच्चा करवे की बोलो करना पे।
बच्चा को तो मैं रील लगा दूँ आई मीन कही कह रहे फिर तुम तो खर्चा की कह रहा है, खर्चा की इधर तो लीला लगवाने हमें तो ये कही जान है। खर्चा तो सही कह रहा भाई, जब जैसे तुम ये बोल रहे हो कि कोई दिक्कत हाँ नहीं आए मम्मी कितनी कहती, मम्मी को तो कितनी बेबे जो कहते हमें नहीं करवाना तुमसे कोई से कछु, तो भाई मैं मम्मी पापा देखो को कितनी इच्छा आएगी। मैं अपना सोच के चल रहा हूँ, मैं अपना ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि देखो मैंने जो सब सोचा है कि मेरा बच्चा होगा तो मैं उसको उसके लिए ये करूँगा, मुझे उसके लिए वो करना है वो करना है, तो ये सब करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है और वो पैसा हमारे हाथ में होना चाहिए, समझ रहे हो ना तुम। तो मेरे हाथ में अभी मुझे नहीं है पैसा मेरे पास, और फ्यूचर में मुझे, हाँ मुझे लगता है कि हाँ आ जाएगा पैसा, सब हो जाएगा, लेकिन यार देखो यार किसी को किसी के लिए ये श्योरिटी जब हो बिल्कुल कि हाँ हम उसका खर्चा अच्छे से उठा सकते हैं तभी करो। अभी तो देखो यार अपन दोनों हैं, ठीक है कोई इतने बात हमने बात और दे देखो नहीं कही तुमसे, वो तो लग गए वो कर वे कथा चालू तुम्हारी, उनकी सोची उन्हें कितनी कितनी वो हैगी बेबी जो कहता हमारी भी लड़की नहीं भाई भगवान हमारी तो एक तो वो कहा हो अबे जाए अपन तो बूढ़े हो गए का, कि अब बूढ़े हो गए सो हो ही नहीं पाए तो बच्चे। बेबे तो हो जा रहा है बूढ़े, उनके भी तो शौक हैंगे कि मतलब सलमान हम खान को देखो बाया तो अभी तक ब्याह नहीं करो, अब ब्याह कर वो ले, हीरो है को मैं कम हीरो हूँ कम से कम, मैं हीरो से कम होगा। उकी दुनिया अलग है ठीक है। वो की दुनिया अलग है, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो एग्जांपल दे रहा था कि देखो उनकी बेबी तो सब जने ऐसे लगाए फिर तो इतने बेबे भी सोचते ही कि हम भी जितने जाए तो संगे लो आके जाए कोई हमें भी दादा दादी बुलाए। तो मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रहे हो, अभी अपन को इतने साल नहीं हो गए कि जो तुम इतने जल्दी घबरा रहे हैं, मम्मी पापा घबरा रहे हैं, भैया 1-1.5 साल हो गए, लोगों के हम पाँच नहीं पाँच जानते साल नहीं कछु, हुए थे यार, तो हम तो एक चाह हम नहीं जो हमें भाई तब बहुत इतने इच्छा हो चाह रही है। तब इतने अच्छे अच्छे से बात करती सीरियल में देखो कितने अच्छे अच्छे से बहुत दो सुपर डांस है, कितने अच्छे अच्छे बच्चा रहते ही कितना अच्छा डांस करती कितने अच्छे से बात करती, हम तो भी अपने बच्चों बच्चन की को तो सब मुझे भी, सिखाए। बच्चों से मुझे भी प्यार है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है यार, देखो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से रहे सब हम भी दिन तो भर थोड़ा घर में सब्र करो, सब्र अकेले का फल रहते मीठा ही होता है, सब्र तो रखो थोड़ा यार, सब होगा यार, बच्चे भी होंगे और जो बच्चों के लिए हम सपने देख रहे हैं वो भी होंगे पूरे, पर ये थोड़ी ना होता कि यार गद्दी पे आम जाऊँ फिलहाल तो अभी। बच्चन को हमारे सपनों पूरा कर दो ठीक है। प्लीज़ ना यार देखो थोड़ा सा मुझे हो जान दो, सेटल हो जान दो अच्छे से, और मुझे मेरे हाथ में मुझे नहीं सोचते हम दिन भर अकेले रहते इतने एक ऐसे देखो तुम जैसे चले जाओ गवर्नमेंट जॉब होती है ना कि हाँ बिल्कुल सिक्योर है कि अब इतना पैसा मिल नहीं है, तो एक सिक्योर टाइप का हो जान दो मुझे कि हाँ मुझे ये पैसा मिलना ही मिलना है, हर महीने या हर साल इतना मुझे कमाना ही है, सिक्योर लाइफ हो जान दो थोड़ी सी, सिक्योर हो जाएगी तुम सच में, फिर अपना देखो बच्चा भी हो जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा, ठीक है कोई दिक कोई कोई वो तो है नहीं अपने अंदर, कोई कमी तो है नहीं कि भाई हम बच्चा नहीं कर पाएंगे, बच्चा तो हम वही कर ही लेंगे, लेकिन अब थोड़ा यार अपना करियर भी तो होता है ना, कि करियर अपना पहले सेट तो कर लो पूरी तरीके से कि हाँ भाई हम कमा रहे हैं, बच्चे का भी खर्च उठा सकते हैं अपना भी उठा सकते अब हैं। जब तक वो कितने 3-4 साल तक इतना बड़ा हुई है तब 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 तक तो का तुम 3-4 साल तक कछु ही ना कर पाओ, तीन अब 2-3 साल तक तो बाको कछु खर्चा नहीं है। बच्चा पैदा हो तब ही सबसे ज़्यादा हो, तब ही सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है बच्चन को, हमें 24 घंटा संगे रहने हमें सामानने है वो सब करने हम तो तो इतनी बहुत सोच बच्चा नहीं बच्चा रहे पढ़ रही है। तुम्हें अबे को हो जान दो बच्चा, सोने हगने मुतने सो ऐसे करना, छी छी हाँ कहो। रहने दो हमें बच्चन से बहुत प्यार है को, हम नहीं करते ये सब गिन, हम भी कोई के बच्चा हुई है तो हमें ना कोई कोई ना गिन करो ये, कितने चाहिए तुम्हें बच्चा हमें तो दो चाहिए। इकट्ठे तो ही हाँ हो जाए जुड़वा हो जाए एक ही बार में पक्का, फुर्सत पक्का तो मुझसे मत कहना बाद में काय को कहें तुमसे कि तुमने, एक तुम्हारी लड़का हो गलती जाए एक है, मतलब लड़की हो तुमने जाए। किया जबरदस्ती, मैंने नहीं किया भाई, मैंने तो मना किया था, देखो क्योंकि देखो मुझे अभी लग रहा कि आने वाले टाइम में कोई श्योर नहीं है कि हाँ हम कमाएंगे अच्छे से तुम्हें क्या पैसा हो जाए सब बातें हम तो कहूँ ना के का क्यों। हाँ क्या बच्चा हो गया खर्चा अरे नहीं उठा लुल्ल पा मियो रहा है कह भी जो को नहीं जो, हाँ तो तभी तो क्यों हूँ मैं, क्योंकि देखो मैं इसलिए कहूँगा कि मैं मना कर रहा हूँ अभी, जब मुझे लगने लगेगा कि हाँ भाई अब मेरे पास पैसा है और पैसा आएगा और हमेशा रहेगा पैसा मेरे पास, तो भाई तभी मैं चाहूँगा कि हाँ एक मेहमान और भी आए, आई मीन घर में एक बच्चा भी हो,
जिसके हम खर्चे अच्छे से उठा सकें, तभी चाहूंगा मैं तो। लेकिन तुमने अगर तुम कहूँ हमें चाहते हो, समझो कि हम कितने अकेले रहे, हमें कितने बुरा लगता है लेकिन कि अगर, सहारे हम ऐसे घर में अच्छे से बने लेकिन अगर चलो। तुम चाहो तो देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस ये है कि बाद में मुझसे मत कहना कि देखो तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम बच्चे के लिए ये नहीं ला रहे, तुम वो नहीं ला रहे। तो देखो मेरे पास अबे जितना मम्मी पापा होगा, आएंगे मम्मी पापा हैंगे वो तो मैं मान रहा हूँ, ठीक है। तो मम्मी पापा के अपने ही तो अकेले नहीं है, मम्मी को छोटा भाई भी है, उसकी भी शादी करनी है, हैं अभी उसकी एक भी हम जिम्मेदारी उनको वो है। ना करें, लेकिन बे आप अपने अपने नाती पोता को खूब करें भी, ठीक है। ऐसे कैसे यार, देखो सब इम्पोर्टेंट होते हैं, मेरी बात सुन लो। मैं तो तैयार हूँ करने के लिए, और बच्चे हो जाएं उसके बाद मेरा जितना, मैं जिस तरीके से खर्च उठाऊंगा उनका, जितना मेरे पास होगा उतना ही कर पाऊंगा। उस टाइम पे मत कहना कि नहीं हमें बच्चे तो ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे, हमें बच्चे तो कार से जाएंगे, हमें बच्चे तो ये खाएंगे ये पियेंगे। भाई मेरे पास जो रहेगा वही मैं खिलाऊंगा, वही पिलाऊंगा, वही स्कूल में पढ़ाऊंगा, समझ लो। वरना मुझे टाइम दे दो, हाँ वरना ठीक है, मुझे नहीं क्या, है नहीं क्या, पक्का हाँ खाओ, मेरी कसम कसम खा जाओ तो मैं मान लूँगा कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं कसम खाया को मैं तो साइन करवा लेता एक चीज़ पे लिख के, क्योंकि तुम औरतें ही होती हैं बाद में बोलती हैं, ताने मारती हैं कि अपने बच्चे को इस अच्छे स्कूल में ही नहीं पढ़ा पा रहे। स्कूल तो देखो सभी अच्छे होते हैं, बच्चों के ऊपर डिपेंड होता है पढ़ने का। हम लेकिन कछु नहीं जानते ही, हम नहीं जो हमें तो भी। तुम्हें बच्चा चाहिए मिल जाए बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमसे हाँ कोई बाजार से तो ले आना है, उनने कहीं बाजार मार्केट में, हाँ बाजार है खरीद लाए। तो भाई जब हम अभी तक नहीं कर रहे थे अब कर लेंगे बच्चा, है कि नहीं। मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना यार, बच्चे है कि देखो तुम बाद में मुझसे मुझसे मत कहना कुछ भी, मुझसे तुमने कुछ कहा सही मैं तुम्हें बताऊंगा। का बताओ, तो मैं यही कहूंगा कि भाई देख लो तुम ही ने कहा था, मैं उसकी डिमांडें पूरी ना हो पाई मतलब तुम नहीं चाहते ही है, तुम्हें तो खुशी ना हुई दादा है। मैं चाहता हूँ, पर मैं जो चाहत के पहले मेरे पास एक सिक्योर होता है पैसा। सिक्योर हिंदी में मतलब बताओ क्या होता है, मतलब जमा एक पूंजी, जमा पूंजी आने चाहिए, एक मतलब एक जिंदगी अपनी सुरक्षित हो जाए एक तरीका से, कि भाई हर महीने तुम्हें तक मिलने ही मिलने हैं। तो अब कहा है कि हाओ जा महीना में अपन को मिल गए अच्छे पैसे, अब महीना में कछु ही नहीं मिलो, फिर भाई अपना तो चल जाए, बच्चा को तो ना चले। बच्चा है तो अच्छे से ही रखने पड़ेगा, बचपन ही से अगर हम भाई सही से नहीं रखें तो फिर वो कैसे अच्छे से बड़े में अच्छो बन पे। प्लॉटिंग कर दो जो वो हो रही, तुम्हारी तो ऐसे पता नहीं कब तक वो होना, अरे यार प्लॉटिंग व्लॉटिंग के जो होगा सब होगा, सो देखो मैं अपने उस पे बलबूते पे खड़ा काय को होना ऐसा चाहता हूँ। बिजनेस करते ही। प्लीज़ ना देखो मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ सिक्योर हो जान दो मुझे पूरी तरीके से, कुछ टाइम की बात है, एक 1.5 साल और रुक जाओ, ठीक है। बहुत तो लोग होते हैं उन लोग के 3 3 4 4 5 5 साल, वो बच्चे ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाते हैं लेकिन करते नहीं हैं, रुके रहते हैं और फिर करते हैं, ठीक है। तो बस वही अपना है, हाँ मैं सुनने नहीं है कछु बस, कोई कछु भी सोच रहा हाँ सोचन दो, कोई के सोच भी से हाँ कछु नहीं सबको होता। तो जो लगता तुम्हें है कि पता है ना, इतने इतने दिन हो गए पता नहीं तुम्हें कहा पता है है सब। ना, तब तो हम तुम से कहती हूँ औरतें, तुम तो मारती दुनिया ताने, को तो काम हम है जाते क्या ही बाहर, वो, हम दुनिया को तो काम है क्या वो, दुनिया क्या हो अगर दुनिया के क्या सुन भी पे चलो ना तो एक कदम नहीं चल पो तुम। दुनिया को तो अच्छे में भी वो चांद है, चांद में भी वह दाग नजर आ जाए, दुनिया के कहवे पे मत चलो भाई। दुनिया तो, अब मैं क्या कहूँ दुनिया के बारे में, दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, कोई की मत सुनो, सुनो अपनी। तुम्हें पता है तुम सही हो, मुझे पता है मैं सही हूँ, भाई हम नहीं कर रहे, नहीं करना हमें, किसी के कहने से तुम कर लोगे देखो बाकी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें करना है हमें तो तो ठीक चाहिए। है कोई दिक्कत नहीं है। हम तुमसे कहूँ भी कछु ना क्या, और ठीक है सही है फिर, हैं हाँ हमें तो बच्चा चाहिए। ठीक है, देखो ले रख दो फिर साइड में, लाइट बंद कर दो। रुक जा पहले थोड़ा और सोच लेने दो, मैं माँ दिमाग खराब हो रहा हूँ। कौन कौन ये तो बैठ जाओ पहले, तो कौन देखो पहले, किधर तो देखो ऊपर क्रिकेट किधर, हाँ की जो तुम्हारी बकेट रखी ना वही वाली दे उसके बगल में। मजा कर रहे थे जैसा, हाँ मैं छही में चाले अरे
पागल पता नहीं कहाँ का बुलवा दिया तुमने यार। देखना पता मन में तो खुद की है ही, एक टाइम पे खुद राजी हो गए थे, सब हमारे ऊपर धर रहे। तो गाइस बताना शर्म के मैं बता बाहर भाग गए। कह रहे काका बुलवा दो हमसे, तो वो शर्म लगी तो वो तो भाग गए। गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो और ऐसे ही मस्ती करते रहो। बाय।